दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है बाबर को आराम या करियर धड़ाम, बाबर आजम ड्रॉप पाकिस्तान क्रिकेट। मेरे हिसाब से बाबर को आराम करना चाहिए, या तो फिर पूरी टीम, पूरी पाकिस्तान जो ये वर्ल्ड कप में खेली थी वो पूरी टीम चेंज कर दो यदि बाबर को करियर बनाना हो तो। क्योंकि इस वाली टीम में अभी जो करंटली वर्ल्ड कप गया उस टीम में तो सभी कप्तान थे, वो तो हमने मार्कआउट किया। लेकिन पहले वीडियो देख लेते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। अच्छा, जिसका भी बर्थडे होता है ना, लोग उसको गिफ्ट देते हैं, उसकी हर कामना पूरी हो तो ये प्रार्थना भी करते हैं। मगर आज जिसका बर्थडे है लोग उसे घंटे का किंग बुलाते हैं। जी हाँ, जिसका आज जन्मदिन है वो है बाबर आजम। और कितना बुरा लग रहा होगा बाबर को कि आज ही के दिन उन्हें टेस्ट टीम से क्या बोल दिया, भाऊ निकल पहली फुर्सत में निकल। यही बात जब इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट से पहले बेन स्टोक्स से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो करना है वो करे, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है बेन स्टोक्स। बात तो सही है। नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। एक टाइम था जब बाबर आजम के नाम से जिम्बाब्वे जैसी टीम थर थर कांपती थी, मगर अब तो लगता है कि वो डर भी धीरे धीरे खत्म हो चुका है, क्योंकि बाबर को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में माहौल ही ऐसा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट में किंग के नाम से बुलाए जाने वाले बाबर कैसे बन गए घंटे के किंग, इस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि सबसे पहली बात ये सामने आई कि बाबर की तुलना विराट से करना ही उनके लिए डाउनफॉल बन गया। क्या आप भी अग्री करते हैं इस बात से? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और पाक टीम से बाबर आजम को उठाकर बाहर पटक दिया गया है। इतना ही नहीं, बाबर समेत शाहीन, सोफा अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद और सरफराज अहमद को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि वो ऐसा करके दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को चुनौती दे सकती है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो टाइम बताएगा, मगर ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से भी पाकिस्तान के खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तब भी फिसड्डी थी और अब भी वैसी है। इस पर आगे और बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको याद दिला दूं हमारा टीआरपी चैनल, जी हमारा पॉडकास्ट का चैनल, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया है। अमेजिंग पॉडकास्ट वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं और आगे आने वाले भी कुछ कड़क पॉडकास्ट हमने तैयार कर लिए, आपके लिए जल्दी रिलीज करेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भैया, खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर पिछले 1.5 साल से 50 प्लस स्कोर नहीं बना पाए। उन्होंने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 प्लस स्कोर किया था, उस मैच में बाबर ने 161 रन बनाए थे और उसके बाद से उनके बल्ले से पटरी खानी बंद हो गई है। बाबर को पाकिस्तान में खूब ट्रोल किया जा रहा है। यूजर सोशल मीडिया पर बाबर का मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि वो सिर्फ कमजोर टीम जैसे नेपाल और जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ ही खेल सकते हैं। इसके चलते यूजर्स उन्हें जिम्बाबर, जिम्पाल और जिम्बू जैसे नामों से बुलाने लगे। लेकिन बाबर आजम के दिन इतने खराब आ जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में तो शाहीन ने भी बाबर को जिम्बू कहकर पुकारा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे भैया, बाबर कहाँ धोती पहनते हैं। वैसे पिछले कई टाइम से बल्ले से शांत चल रहे बाबर के कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए जहां पर उन्हें क्राउड जिम्बाबर के नाम से ट्रोल करता हुआ दिख रहा है। एक बार को तो बाबर को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने बोतल उठाकर मारने का इशारा भी किया था। बाबर को टीम से निकाले जाने पर जहां कई पाकिस्तानियों को अच्छा लग रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि बाबर आजम के साथ बहुत गलत हुआ है। वैसे आपकी ओपिनियन क्या है? क्या बाबर के साथ सचमुच गलत हुआ है? क्या वो पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं? क्या पीसीबी उनके पीछे पड़ गई है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, बाबर को एक तरीके से ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि अगर सचमुच बड़ा खिलाड़ी है तो एक सॉलिड कमबैक वापस करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप बाबर के सपोर्ट में हैं या उनके खिलाफ, जो भी हो जरूर लिखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। देखो, यदि ये किया है चेंज तो थोड़ा बहुत सही भी है। वो सही तभी है यदि जो नए प्लेयर है, जो न्यू कमर है, उसको इसमें चांस दिया गया हो तो। हो सकता है अभी भी, ये नहीं कहूंगा कि टीम चेंज किया तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन एक साल तक ऐसा रहेगा तो नई टीम बनेगी। एक साल के बाद पाकिस्तान को जो टीम चाहिए वो मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों को निकाला ना वो सही मायने में निकाला है। हाँ। वो इसमें तीन तो खास, बाबर और ये आफरीदी और ये और एक फास्ट बॉलर था ना उसका, नसीम शाह। क्योंकि देखो, हर बार सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस थी ना, तो ये थी। मेरे को लग रहा है उसका जो फास्ट बॉलर है आफरीदी, वो क्योंकि वो किसी की नहीं चुनता था भाई। हाँ। उसको कोई पसंद ही नहीं। एक वीडियो में मैंने देखा है कि टीम मतलब ग्राउंड में जाए, उसकी फील्डिंग का टाइम है तो ग्राउंड में जाएगी तो क्या वो राउंड शेप में आ जाते हैं और कुछ बातें करते। बाबर ने उसके कंधे पे हाथ रखा, किसके? आफरीदी, जो उसका फाइव। तो भाई साहब ने ऐसे नीचे कर दिया हाथ,
मतलब उसकी भी मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई उसके प्लेयर की। हाँ, बाबर का डाउनफॉल मैं भी मानता हूँ कि उसकी जो कंपैरिजन है वो विराट कोहली के साथ की गई, थोड़ा बहुत डाउनफॉल, थोड़ा नहीं मतलब समझ लो कि 100% है कि उसी वजह से बाबर का डाउनफॉल आया, लेकिन अदरवाइज बाबर बढ़िया प्लेयर था, कोई कमी नहीं थी उसमें। लेकिन वो बोलते हैं ना फिर वो हवा लग जाना, हवा में बातें करने वाली बातें हो गई थी बाबर के लिए, तो ये डाउनफॉल मान सकते हैं। दूसरा कि भाई आप कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा जैसा कप्तान बनने की, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी भाई। रोहित शर्मा को उनके जो प्लेयर है ना पूरी रिस्पेक्ट करते थे, हम खुद लाइव मैच में या तो कोई बार ऐसी वीडियो आ जाती थी जहाँ पर रोहित शर्मा खुद ग्राउंड पे गालियाँ बोलते हैं प्लेयर को देते, लेकिन वो सुन लेते हैं। बट वो सिर्फ क्यों सुनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ गलती होती है प्लेयर की, इसलिए तो वो बंदा गाली दे रहा है ना, और ड्यूरिंग अ क्रिकेट गेम। फिर ग्राउंड के बाहर तो वो बात ही भूल जाते हैं लोग। तो ये रोहित शर्मा की कप्तानशिप ऐसे ही नहीं इतनी ज़्यादा असर सामने रही, बहुत ही बढ़िया हमारे कप्तान हैं रोहित शर्मा। अब सूर्य कुमार यादव को T20 का एक कमान जो है वो दे दी गई है और बढ़िया कर रहे हैं अभी तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, बाबर साहब को पहले हैप्पी बर्थडे तो कह ही देना, गिफ्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि हाँ जो गिफ्ट मिला वो नहीं, देखो भाई वो भी एक प्लेयर है, फिश करना हमारा फर्ज है, कर देना चाहिए, लेकिन कंपेरिजन वाली बात में तो मैं कभी आ नहीं कहूँगा, एग्री नहीं करेंगे। देखो भाई हमारे प्लेयर है और वो प्लेयर हम जैसे उनके फैन, हम आप उनके फैन हैं, इसीलिए तो वो इतना अच्छा खेल पा रहे हैं ना, क्योंकि प्लेयर को भी सपोर्ट चाहिए ना। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।